ये एक तहरीर है, इसका नाम है गुलखान और याद से कुछ साल पहले मैंने कॉलेज के टाइम पर लिखी थी। शायद उसका नाम गुलखान था, मैं पूछ ना सका। लाहौर की धुंधजदा सर्दी की कपकपाती शाम को जब मैं कॉलेज से निकलकर दफ्तर की जानिब जाने लगता तो वो कॉलेज की दीवार के साथ मौजूद होता। मुझे लाहौर में आए चंद हफ्ते ही हुए थे और बज़ाहिर मेरी हिजरत का मकसद तालीम था, पर दिल इस बात पर कुछ खास मुतमिन नहीं था और लगता था कि तालीम तो महज बहाना है, वजह कुछ और है। बहरहाल मैं अपना शहर, घर, दोस्त यार और तमाम यादें पीछे छोड़कर लाहौर आ चुका था और यहाँ मुख्तलिफ मौसम और मिजाज के लोगों के साथ एडजस्टमेंट के दौर से गुजर रहा था। मेरी माली हालत ऐसी ना थी कि सुकून से तालीम हासिल करता, सो अखराजात पूरे करने के लिए शाम से रात गए तक नौकरी भी करता था। गोया बयक वक्त तालीमी और दफ्तरी जिंदगी का असर नौ आगाज हुआ। लाहौर पहुंचा तो रहने का इंतजाम न करना पड़ा, एक दोस्त यहाँ पहले से कयाम पजीर था सो उसके साथ रहने लगा। सवारी भी उसी की इस्तेमाल करता, फिर भी अक्सर ऐसा होता कि जेब खाली रहती। ताहम इस कसम कुर्सी में भी जिंदगी बड़ी रंगीन थी। कॉलेज में हर तरफ खिले खिले चेहरे, दौरे जदीद के लिबास जेबतन किए, हमा वक्त हंसते मुस्कुराते नजर आते। मैंने यहाँ किसी को उदास, लड़ते या रोते नहीं देखा। कहीं इलीट क्लास की लड़कियां टच स्क्रीन मोबाइल पर गाने लगाए कानों में हेडफोन ठूंसे इम्पोर्टेड सिगरेट के धुएं उड़ाती यहां से वहां नजर आती तो कहीं कहकहों का सिलसिला जारी होता। कोई अपनी दुनिया में मगन रंगों में डूबा होता तो कोई खुद को कैमरे के पीछे छुपाए सब देख रहा होता। कहीं अदाकारी चल रही होती तो कहीं गुलकारी। इनकी बेरूनी दुनिया से इस कदर बेपरवाही और लाइलमी से मुझे अक्सर गुमा होता कि जैसे ये सब किसी और दुनिया के लोग हों। मैं हैरान था कि सब एक साथ ऐसे खुश और मुतमईन कैसे हो सकते हैं। ये शायद ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हर कोई अपने गम को महंगे लिबास, मेकअप और कहकहों में छुपाए हुए था। जाने क्यों इस तमाम तर रंगीनी और गहमा गहमी के बावजूद मेरा दिल उदास रहता। मुझे महसूस होता कि जिंदगी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मुझे अपना शहर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब वहां ऐसे भी हालात खराब ना थे कि मैं अपनों से दूर बेगानों की बस्ती में आबसेरा करता। गो के यहाँ हर शहर और हर फर्द से नए सिरे से आशनाई हो रही थी, लेकिन गुजरते वक्त में भी सोच, नजरिए और आदतों में समंदरों का फासला हायल था। यहाँ हर कोई बोलना चाहता था और सुनने के लिए कोई तैयार ना था। चार सू महज शोर था, अमीरी का, फैशन का, गुरूर का, कारनामों का शोर, हमा वक्त हर जगह बस शोर ही शोर। बात यहीं खत्म नहीं होती थी। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था, बल्कि हर कोई देखे और सराहे जाने की ख्वाहिश में मुब्तला था और इस तमाम तर शोर का मकसद तवज्जो हासिल करना था। मैं अक्सर हैरान होता कि वो लोग जो खुद सलाहियतों से मालामाल होते हैं वो तवज्जो के इस कदर तालिब क्यों होते हैं। ये शायद ऐसा भी नहीं था, बल्कि पजीराई की तमन्ना मेरे दिल में मौजूद थी। दरअसल मैं ही चाहता था कि मेरे असातज़ा और मेरे साथी तलबा जो ऐश-ओ-शरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो मुझे देखें और मुझ पर रश करें कि ये शख्स किस कदर मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद तालीम जारी रखे हुए है। और जब ऐसा ना हुआ और मुझे ही तवज्जो ना मिली तो मैं उनके खिलाफ हो गया। मुझे लगा ये सब नरगिसियत के मारे हैं, देखे, सुनने, जाने और तस्लीम करने की सलाहियत से यकसर महरूम। मैं अपनी नजरों में बड़ा हीरोइक किरदार अदा कर रहा था और जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहा था जिससे हर बड़ा आदमी होकर गुजरता है। मेरी मुश्किलात बिल्कुल वैसी हैं जैसी माजी के अजीम मुसव्विरों, जर्नैलों, सियासतदानों और साइंसदानों को पेश आया करती थी। मैं भी शायद मुस्तकबिल में बड़ा आदमी बनने वाला था और ये माशरा मेरे साथ वही बर्ताव कर रहा था जैसा माजी में उन अजीम लोगों के साथ रवा रखा गया था। ये सोचकर मैं बहुत पुरउम्मीद हो जाता और खुद को हवाओं में महसूस करता, लेकिन अक्सर जब मैं कॉलेज से निकलता तो मेरी नज़र गुलखान पर पड़ जाती और मेरा सारा गुरूर किसी खस्ता हाल इमारत की तरह एक ही झटके में जमीन पेवस्त हो जाता। यह हकीकत है कि मैं जब कभी भी इस ख्याल के जेर असर होता कि मेरी मुश्किलात मुझे अजीम बनाने के लिए हैं, मेरा जाविया नजर ही बदल जाता। मैं खुद को गिर्द नवा के लोगों से मुख्तलिफ और मुनफरिद सोच रखने वाला महसूस करता और मेरे गिर्द पेश मौजूद इल्म, हुस्न, दौलत और कारनामों के तमाम देव हैकल बुत बोनों की सी मानिंद हो जाते। लेकिन जब भी मेरा सामना गुलखान से होता तो इल्म और शऊर की बुनियादों पर कायम मेरी जात का बुत मोम की सूरत पिघल जाता और गुलखान के सामने मैं खुद को बोना तसव्वुर करता। गुलखान 8 से 10 साल का एक बच्चा था जो कॉलेज की दीवार के साथ भुने हुए चने और मकई बेचता था। कॉलेज से निकलकर अक्सर स्टूडेंट उसके पास खड़े हो जाते और 5 या 10 रुपए की मकई या चने खरीदते और बेपरवाही से चने के दाने मुंह में डालते हुए एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, गॉथिक आर्ट्स, हार्डीज के बर्गर और सिगरेट्स की ब्रांड्स के तकाबली जायजे पर अपने इल्म और तजर्बे का भरपूर मुजाहरा कर रहे होते।
गुलखान उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता रहता। यूं ही एक रोज मैं भी वहां रुक गया और चने खाते हुए मैंने बेपरवाही से उसके इलाके के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका ताल्लुक वजीरिस्तान से है। एक 8 से 10 साल का बच्चा वजीरिस्तान से लाहौर आकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। यकायक मुझे लगा कि भट्टी में लकड़ियां नहीं, वो अपना बचपन, अपनी मासूमियत, अपने खिलौने, दोस्त सब झोंक रहा है। हम जो चने खा रहे हैं वो ऐसी आग में भुने गए हैं जिसका ईंधन दहशतगर्दी, ड्रोन हमले, हमारी बेबसी और बेहसी है। मुझे वो 8 साल का बच्चा अपना कॉम्पिटिशन लगा। वो भी तो अपना घर बार छोड़कर आया था और 8 साल की उम्र में वो तमाम काम सर अंजाम दे रहा था जो मुझे 26 साल की उम्र में दरपेश थे। मैं जिस्मानी, जहनी, समाजी और माशी तौर पर उससे कहीं ज्यादा मजबूत था, पर मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो गुलखान के चेहरे पर थी। वो गुलखान जो अपना सब कुछ गंवा चुका था, जिसका घर बार, मासूमियत, सकाफत, बचपन के खेल, उसका माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कुछ इल्म व शऊर के खुदा छीन चुके थे, वो जो समझते थे कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दुनिया के वसीतर मफाद में क्या है। आइडियोलॉजीज के कैदी अपना अपना दायरा कैद बढ़ाने और दूसरों को इस हिसार में लाने के लिए ऐसे सरगर्दा थे कि उनकी नजरों से कभी गुलखान और उस जैसे हजारों बच्चे गुजरे ही नहीं जिन्हें दुनिया के इन नजरियात से कोई वास्ता नहीं था, जो अपने जन्नत जैसे इलाकों में बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने तो किसी शजरे ममनुआ का फल भी नहीं खाया था, फिर उन्हें किस जुर्म की सजा में गुलामी, नफसा नफसी और मादा परस्ती की दोज़ख में फेंक दिया गया था, जहां इंसान जलता भी है और आह करने की भी इजाजत नहीं। 8 से 10 साल का गुलखान इस माशरे का हकीकी हीरो था। वो अपना सब कुछ आग में झोंक कर उसे फूंके भी खुद ही मार रहा था कि उस पर चने भून सके, जिसे खुद को इल्म दानिश का समंदर समझने वाले बेपरवाही से खाते हुए गुजर जाएं और वो उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता रहे। गुलखान, तुम हीरो हो।